और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार, पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के निधन की खबर है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, बिहार के पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया है। हालांकि इसके पीछे की वजह अभी साफ हो जाएंगी, आपको अपडेट देंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के निधन की खबर है। हालांकि अभी तक ये जानकारी सामने नहीं आ रही है, लेकिन आपको बता दें बड़ा अपडेट इसमें यह है कि कैंसर से पीड़ित थे सुशील मोदी, जिसके चलते उनके निधन की खबर आई है। आपको बता दें लंबे समय से सुशील कुमार मोदी का कैंसर का इलाज चल रहा था, वो कैंसर से जूझ रहे थे, दिल्ली से भी उनका इलाज हुआ है। और आपको बता दें कैंसर से जंग लड़ते हुए बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया है। मेरे सहयोगी नीतीश चंद्र इस वक्त और अधिक अपडेट के साथ जुड़े हुए। नीतीश, क्या जानकारी है? देखिए, ये बड़ी दुखद खबर आई है कि बीजेपी के काफी कद्दावर नेता सुशील मोदी, उनका निधन हो गया है। कुछ समय पहले उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी थी कि उन्हें कैंसर है, और करीब 6 महीने तक ये जानकारी उन्होंने किसी को नहीं दी थी। और उस जानकारी में उन्होंने ये बताया था कि अब वो वक्त आ गया है कि वो चाहते हैं कि वो लोगों की इसकी जानकारी हो। तो उस समय से ही इस लगातार जब ये खबर आई थी, तमाम जो बीजेपी के नेता थे उनसे मिल रहे थे, और उसके बाद फिर अभी दिल्ली वो गए थे, चूंकि उनका इलाज अभी जारी था, लेकिन वहाँ एम्स में उनके निधन की खबर आई है। तो अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आई है कि बिहार बीजेपी के बड़े नेता, जो कि बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं और लंबा जिनका एक राजनीतिक कार्यकाल रहा है, राजनीतिक अनुभव रहा है, उनका निधन हो गया है। कैंसर से वो पीड़ित थे और गले में उसका जो प्रभाव था, उन्होंने खुद ये जानकारी दी थी कि गले का कैंसर था और कई दूसरे अंग भी इससे प्रभावित थे, और उनका इलाज चल रहा था, एम्स में अभी वो गए हुए थे और वहां से अभी निधन होने की उनकी खबर आई है। बिहार के जो अभी डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उन्होंने भी अपने एक्स हैंडल पर इस बात की जानकारी शेयर की है और ये बताया है कि उनका निधन हो गया है। तो फिलहाल अभी तमाम जो नीतीश, क्या अपडेट है? जो पार्थिव शरीर, क्या वो अभी सुशील मोदी दिल्ली में ही इस वक्त मौजूद थे, अपना इलाज करा रहे थे, उनका अंतिम संस्कार कहाँ किया जाएगा, कोई जानकारी इस बाबत? देखिए, अभी तो दिल्ली में ही निधन हुआ है, तो माना जा रहा है कि कल ये उनका जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ लाया जाएगा, फिर पार्टी मुख्यालय, इसके अलावा विधानसभा और जो तमाम प्रक्रियाएं होती है उसको देखते हुए यहाँ पर उनका जो अंतिम संस्कार है वो परिवार के लोग तय करेंगे कि कहाँ पर होगा। लेकिन अभी दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली है, और उसके बाद जब उनका पार्थिव शरीर संभवतः कल आएगा, परिवार के लोग अंतिम रूप से तय करेंगे कि ये अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो पूरी कहाँ पर होगी। तो अभी जहाँ पर उनका निधन हुआ है वहाँ पर लोगों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है, और तमाम जो बीजेपी के नेता हैं सभी शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि सुशील मोदी का जो कद था बिहार में, एक ऐसे नेता जो काफी एक सक्षम नेता माने जाते थे, किसी भी मसले पर यदि बिहार बीजेपी की तरफ से सही तरीके से बातों को रखना, तर्क संगत बातों को रखना, और खासतौर से जो उनका एक रिसर्च वर्क था वो काफी मजबूत था, उनके पास एक ऐसी टीम थी जिनके पास तमाम तथ्य जो है वो होते थे और आंकड़ों के जरिए, बिल्कुल तर्क के जरिए वो बातों को रखते थे। तो ये सारी चीजें सुशील मोदी से जुड़ी हुई थी और हर कोई मानता था, चाहे वो विपक्ष का नेता हो या फिर सत्ता पक्ष का, हर कोई ये मानता था कि सुशील मोदी की जो एक अपनी शैली है बातों को रखने की, और जिस तरह से वो बिल्कुल तर्कसंगत बातों को रखते हैं, आंकड़ों के साथ रखते हैं, प्रमाण के साथ रखते हैं, ये बातें लोगों को काफी पसंद आती थी, और यही कारण है कि एक लंबा अनुभव उनका रहा। और इसके अलावा जीएसटी काउंसिल में भी उन्हें जिस तरह की जिम्मेदारियां दी गई, इसके अलावा बिहार में वित्त मंत्री रहते हुए, डिप्टी सीएम रहते हुए एक लंबा सफर, इसके अलावा जो संसद का भी सफर उनका रहा है, तो ये तमाम ये जो अनुभव हैं जो जुड़े हुए हैं लोगों से, और जो खासतौर से जो बीजेपी से जुड़े जो नेता हैं, जो नीतीश कुमार खासतौर से उनके काफी नजदीकी रहे हैं। आपको याद होगा जब नीतीश कुमार ने बीजेपी की सरकार जब से बनाई है 2005 से, उस समय से सुशील मोदी उनके सबसे नजदीकी थे, और जब नीतीश कुमार अलग भी हुए, महागठबंधन में भी गए, तब भी नीतीश कुमार ने सार्वजनिक रूप से ये बातें कई बार कही कि सुशील मोदी ही वो शख्स हैं
जो यदि वो रहते तो शायद ये गठबंधन उनका नहीं टूटता। तो सुशील मोदी और नीतीश कुमार के रिश्ते जो हैं वो काफी बेहतर रहे हैं, और हर दल में भी चूंकि लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, सभी जो हैं वो बिहार में जिस आंदोलन की, जेपी आंदोलन की उपज रहे हैं, और सबों का जो एक राजनीतिक करियर रहा है वो जिस तरह से छात्र राजनीति से, पटना विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से जुड़ा रहा है, तो लालू यादव हो, नीतीश कुमार और सुशील मोदी हो, रविशंकर। और नीतीश आप बने रहिएगा, किरण रिजिजू इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर आप तक भी ये दुखद खबर पहुंची गई होगी, किस तरह से आप सुशील कुमार मोदी जी को याद करेंगे? देखिए ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक सदमा पहुंचाने वाला खबर है। सुशील मोदी जी हम लोग कितने सालों से पार्टी में काम किया, हम लोग साथ में पार्लियामेंट में सदस्य भी थे, बाद में वो बिहार में जाकर के डिप्टी सीएम बने, उससे पहले हम लोग लोकसभा में साथ में थे। इतना अच्छा इंसान, पार्टी के लिए पूरा कुर्बानी की और हर वक्त पढ़ाई करते रहते थे, जानकारी प्राप्त करते थे, इतना मेहनत करते थे, हमारे इतना वरिष्ठ साथी हमारे बीच में नहीं रहना, ये बहुत हमारे लिए दिल में चोट लगने वाले ऐसा घटना है जो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। अभी तो मैं क्या कहूंगा, सिर्फ प्रार्थना ही कर सकता हूं कि उसके आत्मा का शांति के लिए और परिवारजनों को ताकत दे कि सदमा को अपने इसको संभालने के लिए। बिल्कुल समझा जा सकता है, इस वक्त ये हर किसी के लिए बहुत ही गमगीन कर देने वाला पल है, और जो समर्थक हैं सुशील मोदी के इस वक्त शोक की लहर पूरे बिहार में है, और तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं सुशील मोदी को याद करें, किस तरह से उनका रिसर्च वर्क और इसके अलावा उनकी जो शख्सियत है वो अपने आप में कद्दावर नेताओं में सेक रही है।